लाइफ में बहुत कुछ है, बट बस्ती जाने के बाद लाइफ बहुत अलग है। स्लमडॉग से करोड़पति बनने की जो हिम्मत है वो बस्ती से आई, और हिम्मत तब तक रहेगी जब तक बस्ती जावे भोसड़ी की मादर चोद नहीं पटक के चोद देंगे। चल निकल मादर चोद। तो आज मुझे दो अलग अलग टॉपिक वालों की गंदे तरीके से और ऐसा कि वो लोगों की ऐसी फटेगी जिससे कि वो और उनका चूतर दोनों ही हटके फ्लावर हो जाएगा, और वो भी उनपे अमूल का मक्खन मारेंगी जिससे कि पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी। हे गाइस, इट्स मी रिएक्शन मॉन्चिक। तो आज मैं रोस्ट के नाम पे रिएक्शन दूंगा और आप लोगों का चूतिया काटूंगा, तो इसलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। हेलो एवरीवन, कैसे सारे। मैं कहता हूँ कि सब लोग ठीक कर अपने अपने घर में मौज ले लो। तो भाई वीडियो स्टार्ट में सीधा टॉपिक पे आता हूँ। आज मैं जिसका रोस्ट करने वाला हूँ वो कोई इंसान नहीं है, कुछ बकरी चोद है। ठीक है, मतलब मैं पूरी MLM का रोस्ट करने वाला हूँ, मैं वेस्टिज का रोस्ट करने वाला हूँ। और आज के बाद मैं एक भी सक्सेस सेमिनार मिस नहीं करूंगा। भाई जो सारे मिल गए हमको पागल बना रहे मादर चूत के बच्चे, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुंह तो खोल थोड़ा सा, क्या पूरा दे दूं मुंह में। चल लगा इंट्रो। तो भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जिन नए लोगों ने वेस्टिज ज्वाइन कराया मैं उनके ऊपर कोई मजाक नहीं करने वाला, और प्लीज यार दिल पे मत लेना, वीडियो को एंड तक देखना, और क्या कहते हैं उसको फनी वीडियो को ना फनी एंगल में लेके जाना, कुछ गलत मत समझना। तो भाई मैंने पिछली वीडियो में बोला था मैं वेस्टिज के ऊपर रोस्ट निकालूंगा, फिर मैंने सोची यार लोगों को कैसे समझाऊंगा कि वेस्टिज ऐसा है वैसा है, फिर मेरे को एक बात याद आई, आजकल के लोग इतने होशियार हो चुके हैं कि उनको पहले से पता होता है कि चूतिया की डिवीजन क्या होती है। तो भाई आज का टॉपिक हमारा ऐसा है, आज हम एक ऐसे जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं इनको जानवर बोल रहा हूँ, ये जानवरों की बेइज्जती। पहले मैं इनको गांडू बुलाने वाला था, बट अभी मैंने गाली देना छोड़ दिए तो इनको जानवर बोल के काम चलाना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी लोगों का वेस्टिज रोस्ट वीडियो में। तो भाई वेस्टिज करने वाले लड़कों की क्या कंडीशन है ये पूरी दुनिया जानती है, पर हमारी कंडीशन तब ज्यादा खराब हो जाती है कि वेस्टिज के मोटिवेशनल स्पीचर्स ऑन द लाइव ऐसी स्पीच देते हैं। यार ये जो लोग ताने मारते हैं ना, ओहो अब तो बड़े लोग, अब तो कमाई दमाई बहुत तगड़ी हो रही होगी, है ना सालो, तुम भी मेहनत करो तुम भी बड़े लोग बन जाओगे। ओ बहन चो, क्या लड़की है, मतलब ब्रेव के साथ साथ एकदम हॉट भी है, तो इसको फॉलो करना तो बनता है और सनकी को रिपोर्ट करना बनता है। साले कुत्तों की जिंदगी। सर जी आप तुम्हारे इस अंडप के वजह से सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। आर, आर, आर। खुद के ड्रीम से लेके पैसे तक सब कुछ में फीसु भाई को चूस के है, तो दीदी ये बताओ कि वो तुम्हें पालेगा या फिर खिलाएगा जो तुम उसे हर चीज से ऊपर मान रही हो। अक्कल नाम की जितने गांडू लोग तुम लोग, तुम्हारे इस टाइप के चुतियापे को करते देख मैं यही कहूंगा कि कुछ फायदा नहीं है, देख काम कर पैसे कमा डालो। मैं सच बता रहा हूँ यार, इनकी वीडियो देख के ना इनका मजाक ना उड़ाओ, इनको गाली ना बको, पर ऐसी वीडियो देखने के बाद में ना मेरे मुंह से दो की जगह तीन गाली निकली। अगर ये छोरी ना होती तो मैं इसको बताता कि मैया छोदी कैसे जाती। मेरा एक ना दोस्त आया था मेरे घर पे, तो उसने मुझे बोला भाई तू वेस्टिज जॉइन कर ले, तो मैंने उसको बोला तेरी माँ की चूत। अबे हट जा बोतल की बात। मैंने ये वेस्टिज को ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने के बाद आप ही की तरह ऐसे सेमिनार में बैठा और बैठने के बाद मेरे माइंड का ढक्कन खुला। एक शब्द तूने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरा मुंह में अंडे दूंगी। नहीं पटक के चोद देंगे। चल निकल मार दे। अगर भाई भूखा नंगा आदमी तेरे से पैसे, या फिर तेरे को पैसे दूं, या फिर तेरे लोगों को ज्वाइन करने बोलूं पैसा कमाने के, बोलूं पैसा करूं मैं, एक काम करना मेरा नाम है सुमित दुबे, किसी भी XYZ ऐप पे जाके ना मेरा नाम डाल दियो, $100-$200 तेरे को भीख में मिल जाएगी। तो बहुत हो गया रोस्ट, अब थोड़ा रैंक में चलते। अब देखो तुम्हें मैं थोड़ा और मजा दिलाता हूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। वेस्टिज वाले हमेशा उसी प्रोडक्ट को 5-star रेटिंग देते हैं जो बहुत महंगे होते हैं और आसानी से फट जाते हैं। आपको पता है वेस्टिज में कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि महीने का 2000 का सामान लोगो, लोगों को चूतिया बनाओ, लोगों का पैसा लूटो, और भी बहुत सारे है। आज पंचो दिन के गांड फाड़ दूंगा मैं। वेस्टिज वालों को लगता है कि वो BMW लेंगे, जैगवार लेंगे, खैर छोड़ो, उनको तो ये भी लगता है कि लैम्बोर्गिनी भी उनके बाप की है। तो भाई आज का ये रोस्ट वीडियो यहीं पे खत्म करते, और जितने भी वेस्टिज वाले मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं इनको बोलूंगा कि ये एक रोस्ट वीडियो था, क्योंकि मुझको बेवकूफ बनाया गया था, मुझसे 2000 का सामान लेने को बोला था, मैंने ये वीडियो बनाया। ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो होंगी आप लोगों के लिए, और जितने भी मेरे लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, तुम्हें और वीडियो चाहिए ना वेस्टिज के ऊपर गांड फाड़ने को, तुम्हारा भाई एवर रेडी। जितने भी वेस्टिज वाले ये वीडियो को देख रहे हैं, ऑफेंड होकर कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएटेड मत करना, क्योंकि तुम्हारी गांड
और भाई इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि वेस्टेज वालों की गांड फट जाए।